कमबैक बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कंधकोट में व्यापारियों की जानिब से आबादगारों की नकली बीज और खाद फराम करने पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल तबाह हो गई। सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से घंटा घर चौक से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज कंधकोट मीर अली अकबर बैंगवार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंधकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने। जो है आज सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से जो आबादगारों को व्यापारियों की जानिब से जो नकली खाद और नकली बीज फराम करने के खिलाफ जो है यहाँ कंधकोट टावर चौक से लेकर यहाँ कंधकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहरा करके यहाँ धरना दिया गया है। धरने में यहाँ शरीक है, यहाँ हमारे साथ जिले रहनुमा दिलवर खान डहानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसी हवाले से जानते हैं क्या कहेंगे। सर, यहाँ आबादगार मुआशी कतर हम किया गया है, आप क्या कहेंगे? आपकी मेहरबानी, आप देख रहे हैं कि अगले साल गंदम का बीज नहीं हुआ, ये दुकानदारों ने नकल बीज दिया और दवाई और जो खाद ये सारे नकल इधर चल रहा है। और इस साल को अपना सारी का बीज था वो नकल दिया तो आबादी नहीं हुई, सारी पापड़ हो गई है। इसलिए आज हमने इत्तेहाद किया DC साहब से, गुजारिश करते हैं कि अपना एग्रीकल्चर को फाल किया जाए और इन दुकानदारों के खिलाफ पर्चा दिया जाए, हमें खातेदारों को इंसाफ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा और दीगर रहनुमाओं के बातें सुनने का यही कहना है कि किसानों का जो है आबादगारों का मुआशी कत्ल किया गया है। इनका यही कहना है कि मुसलसल 3 सालों से जो है व्यापारियों की जानिब से जो है नकली खाद और नकली बीज जो है किसानों को फराम किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल में हो गए और गंदम की फसल जो है मुसलसल 3 साल से तबाह हो रहे हैं। मगर ज़िले इंसाफिया हो या दीगर एग्रीकल्चर, वो खाबे खरगोश में, उनका यही फिलफोर इनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रही है और आबादगारों जो मुआवजा दिया जाए ताकि उनका जो है फसलों का जो है अजाला हो सके। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर बैंगवार तफसीलात से आगाह करने के लिए।